सीहोर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने पत्रकार वार्ता कर हर घर तिरंगा अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ 11 से 17 अगस्त तक मनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने सीहोर जिले के आम नागरिकों को हर घर तिरंगा अभियान से जोड़ने के लिए अपील की। वहीं उन्होंने कहा कि झंडा संहिता में किए गए संशोधन के अनुसार अब आम नागरिक अपने घरों पर रात में भी राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। साथ ही खादी और पॉलिएस्टर से निर्मित राष्ट्रीय ध्वज भी फहराए जा सकते हैं। किसी यात्रा के दौरान या ऐसी तिरंगा यात्रा या ऐसी रैली के दौरान बड़ा ध्वज जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो वाहन पे परमानेंटली ध्वज लगता है उसकी संहिता अलग है। वो केवल कुछ संवैधानिक पदों को उसकी लगाने की अनुमति है, लेकिन तिरंगा यात्रा के रूप में अगर आप कोई रैली कर रहे हैं तो अपने मोटरसाइकिल या कार के ऊपर आप इसका उपयोग कर